सो दोस्तों, पिछले हफ्ते मेरे 3 गोल्ड फिश, 3 गोरामी फिशेस, उसके बाद 4 जो मेरे जेवरा फिशेस थे उसके साथ मेरा जो एक फाइटर फिश था, वो सभी एक साथ विद इन 4 to 5 डेज के ड्यूरेशन में एक्सपायर हो गए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि क्यों ऐसा हो रहा है या फिर क्या ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि ये सब एक के बाद एक एक्सपायर होते जा रहे हैं, वो सब इतना बड़ा लॉस हो गया था मुझे। अभी मेरे एक्वेरियम में आप देख सकते होगे कि 2 शार्क जो है मेरे, वो सब टाइगर ब्रेड, उसके बाद वगैरह वगैरह, वो सब कोरिकेट वगैरह, वो सब है, बट एक्वेरियम एकदम सूना और एकदम खाली हो गया है। और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी प्रॉपर तरीके से मेरे को पूरा, मतलब वापस से रीसेटअप करना होगा इसको। इसका मैं पानी वगैरह सब कुछ फिर से वापस उतार के उसके बाद समूर स्टोन्स में उसके साथ ऐड करके मैं एक्वेरियम को वापस से पूरा ये करने वाला हूँ। और हालांकि इतना बड़ा सब कुछ हो चुका था तो मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि अगर आप भी कोई गलती कर रहे हो अपने एक्वेरियम में तो आपके भी फिशेस, मतलब विद इन कुछ दिनों में इतना बड़ा लॉस हो सकता है। तो मेन क्या क्या प्रॉब्लम्स थे आज मैं उसी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि आप आगे जाकर ऐसा कोई प्रॉब्लम ना करो अगर आपके घर में एक्वेरियम हो या फिर है तो, ताकि आपके फिशेस का कोई लॉस ना हो। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू क्लीन द आइसोलेटेड चैम्बर ऑफ फाइटर फिश। तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि मेरे घर पे लॉकडाउन के वजह से एंटी क्लोरीन जो है खत्म हो गया था, तो मैं जो वाटर यूज कर रहा था यूजुअली वो क्लोरीन फ्री ही होता है मेरे ख्याल से, तो क्लोरीन फ्री होता है। उसके बाद भी मैं कभी कभार जो है मिनरल वाटर दुकान से खरीद ला के वो यूज कर रहा था एंटी क्लोरीन, जो कि मेरे पास खत्म हो गया था। सो गाइज, हुआ यह था कि 2 हफ्ते मैंने पानी को, मतलब चेंज नहीं किया था, 2 हफ्ते लगभग पानी हो गया था और उसी बिटवीन में फिशेस मरना स्टार्ट हो गए। उसके बाद जब 2-3 फिशेस मरे फर्स्ट गैप में, तो मैंने क्या किया, जो पानी है उसको मैंने प्रॉपर फुल्ली चेंज कर दिया था। चेंज करके मैंने पूरा, मतलब ये वाटर यूज़ किया था, क्या बोलते हैं उसको, मिनरल वाटर यूज़ किया था। मतलब नियर अबाउट मैंने 1/4 एक्वेरियम का वाटर रख के उसके बाद बाकी 3 बग में मिनरल वाटर पूरा इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था अपने घर के टैप वाटर यूज़ करके कि उसमें क्लोरीन है कि नहीं है। तो मैंने पूरा जो है ये यूज़ किया था, मिनरल वाटर यूज़ किया था। उसके बाद भी मेरे जेब्रास मरना स्टार्ट हो गए और साथ ही साथ एक गोरामी भी एक्सपायर्ड हो गया उसके बाद। तो तब मुझे लगा कि नहीं, वो ये पूरा का पूरा पानी में ही कोई गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ था शायद कि पानी में जो एंटी क्लोरीन मैंने नहीं इस्तेमाल किया था, तो मतलब दो बार मैंने वाटर चेंज किया था विदाउट एंटी क्लोरीन, और लास्ट टाइम जो पानी था उसका जो क्लोरीन था वो नीचे सेटल हो गया और नीचे का जो वाटर मैंने 1 पार्ट रख दिया था, 4 भाग में जो एक भाग मैंने रख दिया था, उस वाटर में पूरा का पूरा क्लोरीन रह गया था और उसी क्लोरीन ने मेरे फिशेस को हार्म कर रहे थे। तो मैंने सून क्या किया कि फिशेस को उतार के जैसा एक्वेरियम था उसमें सून मैंने मिनरल वाटर ऐड किया और फिशेस को वापस छोड़ दिया। अभी तो फिशेस ऐसे ही चल रहे हैं लेकिन एक्वेरियम का हालत थोड़ा मतलब बिगड़ा हुआ है, तो एक्वेरियम को रीसेटअप करना होगा, उसको उतार के स्टोन्स वगैरह वापस वॉश करके उसके अंदर जो क्लोरीन है उनको भी बाहर लाना होगा। सो गाइज, अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो कि आप श्योर नहीं हो कि आपके वाटर में क्लोरीन है कि नहीं, एंटी क्लोरीन आप यूज करो, और अगर एंटी क्लोरीन भी आपके पास ना हो तो आप रिस्क ना लो, मिनरल वाटर यूज करो दुकान का, और अगर मिनरल वाटर आप नहीं अफोर्ड कर सको और या फिर नहीं ले सको तो कम मिनरल वाटर में ही, मतलब जितने मछली है उनको कम वाटर में रखो और क्लोरीन वाला वाटर इस्तेमाल ना करो, जितना मिनरल वाटर आप ला सको उतने में फिशेस को रखो कुछ दिनों के लिए। अगर आप ऐसा करोगे कि एंटी क्लोरीन वाले वाटर में फिशेस छोड़ दोगे तो फिशेस जो है धीरे धीरे हार्म होकर एक्सपायर हो जाएंगे, जैसे मेरे साथ हुआ। उसके बाद भी एक और प्रॉब्लम था कि 2 हफ्ते मैंने वाटर चेंज नहीं किया तो उसमें क्लोरीन और कुछ और भी चीजें जो है वो शायद जम गई थी, तो वो सब भी जमने के कारण से क्या हुआ कि वाटर जो है पूरा मतलब स्पॉइल हो गया। मेरे हार्डी फिशेस जेब्रास भी थे, फाइटर भी थे, वो भी एक्सपायर्ड हो गए। फाइटर तो चैम्बर में था उसके बाद भी एक्सपायर्ड हो गया, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, उसके बाद भी एक्सपायर्ड हो गया। सो गाइज, ये एक छोटी सी वीडियो थी, आपको समझ आए कि क्यों, कैसे आपको वाटर को मेंटेन करना है और कैसे आपको प्रॉपर एक्वेरियम का मतलब आपको पानी को चेंज करते रहना है और बी श्योर कि पानी में कोई भी क्लोरीन वगैरह ना हो, और अगर क्लोरीन हो तो ये डायरेक्टली आपके फिशेस को हार्म नहीं करेंगे। अगर ऐसा फिश हो कि डायरेक्टली आके क्लोरीन में छोड़ दिया तो वो डायरेक्टली हार्म करेगा, अगर मतलब वाटर के साथ साथ अगर आप क्लोरीन वाले एंटी क्लोरीन वाटर के साथ साथ आप एंटी क्लोरीन वाले वाटर ऐड करते रहो, क्योंकि मेरा ऐसा हुआ था जब मैं एंटी क्लोरीन वाला मतलब क्लोरीन वाला वाटर डाल रहा था, मतलब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरे पास एंटी क्लोरीन नहीं था, उसके जो एंटी क्लोरीन वाटर था वो तो मेरे एक्वेरियम में था, उससे मैं थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा सा क्लोरीन वाला वाटर डाल रहा था और उसमें क्लोरीन था कि नहीं मैं श्योर नहीं था, उसके लिए डाल रहा था, तो वो धीरे धीरे जम के मेरे फिशेस को मतलब एक्सपायर्ड कर दिया। तो आप ऐसी गलती ना करो, इसलिए ये वीडियो था। और सो गाइज, आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर ओन एंड योर पेट। थैंक यू सो मच।